लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ाने की फाइनल मोहर लगा दी साथियों। लेकिन चिराग पासवान जमुई से किसे उतारेंगे, समस्तीपुर से कौन होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार, वैशाली से कौन होगा, खगड़िया से कौन होगा उम्मीदवार, बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं साथियों। ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि चिराग पासवान अपनी कर्मभूमि जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतार सकते हैं। वही बात फंस रही थी समस्तीपुर की, तो एक जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया चिराग पासवान से कि छोटे भाई अगर आना चाहेंगे तो क्या होगा, चिराग पासवान ने इस पर बेताबी से जवाब दिए कि छोटे भाई प्रिंस राज का ही अलग होने का फैसला था, अगर उनको आना है परिवार में पार्टी में तो अब उनका फैसला होगा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान समस्तीपुर से चुनाव संजय पासवान को लड़ा सकते हैं साथियों। संजय पासवान पार्टी में प्रधान महासचिव हैं और चिराग पासवान के सबसे करीबी हैं साथियों। कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कठिन दौर में संजय पासवान चिराग पासवान के साथ खड़े रहे और यही वजह है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में इतनी मजबूत हो गई साथियों। कहीं ना कहीं चिराग पासवान हाजीपुर से लड़कर रामविलास पासवान की विरासत को आजमाएंगे, तो वहीं जमुई से अपनी कर्मभूमि से अरुण भारती अपने बहनोई को लड़ाकर पार्टी में स्थिर जगह बना रहे साथियों। तभी के लिए इतना ही, मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट चैनल। जय हिंद, जय बिहार।